हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद स्वारिका में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ रेड वेलवेट केक। ये एगलेस रेड वेलवेट केक है। रेड वेलवेट केक तो सभी को पसंद होता है और आज मैं बनाऊंगी इसे बिना माइक्रोवेव के और बिना क्रीम चीज़ के। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 3/4 कप पिसी हुई शुगर, 2/3 कप मिल्क लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/2 कप लिया ऑलिव ऑयल, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, रेड फूड कलर और वनीला एसेंस। सबसे पहले मैं यहाँ एक बोल ले रही हूँ और इस पर रखूँगी एक बड़ी सी स्ट्रेनर और इसमें मैं डालूँगी मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके छान लेंगे। इसे हमें अच्छे से छान लेना है। और अब मैं एक और बोल ले रही हूँ, इस पर भी रखूँगी एक बड़ी सी स्ट्रेनर और अब मैं इसमें शुगर पाउडर डाल के इसको भी स्ट्रेन कर लूँगी, जिसमें थोड़े बहुत जो लम्स है वो निकल जाएं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, ऑलिव ऑयल। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया, आप इसकी जगह कोई भी जिसका फ्लेवर कम हो ऐसा कोई भी ऑयल ले सकते हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैदे का मिक्सचर डालते हुए और थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। हमें सारा मैदा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा मैदे का मिक्सचर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालते हुए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारा बैटर रेडी कर ले रही हूँ। बैटर हमारा रेडी हो गया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून रेड फूड कलर। ये लिक्विड वाला रेड फूड कलर है, आप जेल वाला या कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो सा भी आपके पास रेड फूड कलर हो। तो मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और ये देखिए कितना अच्छा सा रेड कलर आ गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट वेनेगर 1 टीस्पून और इसे भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए इसे केक टिन में डाल लेते हैं। और अब मैं यहाँ एक केक टिन ले रही हूँ जिसमें मैंने चारों तरफ अच्छे से बटर पेपर लगा लिया है और अब मैं इसमें सारा बैटर पोर कर दूँगी। अच्छे से सारा बैटर हमें इसमें डाल लेना है। और अब मैं इस केक टिन को 2-3 बार अच्छे से टैप कर लूँगी जिससे सारा एयर बबल निकल जाए। और आज हम इसे बेक कर रहे इस भगोने में, जिसके लिए मैंने इसे प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और इसमें एक वायर रैक रख ली है। तो अब हम इसमें अपना बैटर रख देंगे और इसे ढक के हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए बेक करना है। इसमें 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। 45 मिनट हो गए हैं, हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक क्लीन नाइफ लिया है और इसे इंसर्ट किया, ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है। तो हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। तो इसे बहुत ही सावधानी से हम इसे निकाल लेंगे और अब इसे हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है, तभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये मेरा केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसे डीमोल्ड कर ले रही हूँ, चारों तरफ अच्छे से नाइफ घुमा लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट उल्टा करके रखूँगी और ये देखिए कितना ईजिली ये केक रिमूव हो गया है। तो इसका सारा बटर पेपर मैं निकाल ले रही हूँ अच्छे से और ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर का जो अनइवन पार्ट है उसे निकाल लूँगी, रिमूव कर लूँगी और ये केक साइडों से हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाता है बेक करने की वजह से, पर
सेंटर में बिल्कुल अच्छा सा कलर आया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में से मैं इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया और कितना अच्छा जाली इसमें आया है। देखिए कितना अच्छा केक हमारा बेक हुआ है, वाओ देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसका क्रम्बल कर ले रही हूँ, इसे बिल्कुल बारीक बारीक सा इसका मैं क्रम बना ले रही हूँ, जो हमें आगे डेकोरेशन में यूज़ आएगा। तो इसका मैंने बिल्कुल बारीक ऐसा क्रम्बल कर लिया है। और अब मैं ले रही हूँ ये व्हिपिंग क्रीम, ये इजीली बेकरी शॉप में मिल जाती है या ऑनलाइन मिल जाती है। और अब मैं ये एक बड़ा सा बोल ले रही हूँ जिससे मैंने फ्रीजर में रख के चिल कर लिया 10 से 15 मिनट के लिए। और अब मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, इसमें ये बोल को चिल कर लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो। और अब मैं ले रही हूँ एक हैंड ब्लेंडर और इससे हम अपनी व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल थिक हो जाए। तो चलिए इसे हम व्हिप कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी थिक हो गई है ये क्रीम। तो ये हमारी व्हिप क्रीम रेडी हो गई है। तो अब मैं एक पाइपिंग बैग ले रही हूँ और इसमें हम अपनी व्हिप क्रीम को भर लेंगे अच्छे से, जिससे हमें केक को डेकोरेट करने में इजी हो जाएगा। तो इसे मैं इसमें अच्छे से भर ले रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ 3 इक्वल साइज़ के बोल और इसके ऊपर एक प्लेट उल्टी करके रख दूँगी, जिसके ऊपर हम अपना केक डेकोरेट करेंगे। और अब मैं एक केक बोर्ड ले रही हूँ और इस पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा लेंगे और इस पर हम रखेंगे केक की पहली लेयर। और मैं यहाँ ले रही हूँ शुगर और पानी का मिक्स करके, मैंने यहाँ पर शुगर सिरप बना लिया और इसे हम केक के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। इससे हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो इसकी एक लेयर लगा लेंगे। और अब मैं ले रही हूँ व्हिप क्रीम और इसकी एक लेयर लगा देंगे केक के ऊपर, पूरे केक को अच्छे से व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे। ये पाइपिंग बैग की वजह से हमें ये करना इजी हो जाता है। तो मैं इससे पूरे अच्छे से एक लेयर लगा ले रही हूँ और फिर इसको हम एक नाइफ से थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर रखूंगी केक की दूसरी लेयर और इस पर भी हम लगा लेंगे शुगर सिरप अच्छे से, सब तरफ शुगर सिरप लगा लेंगे। और अब मैं लूंगी व्हिप्ड क्रीम और इससे पूरे केक को हम कवर कर देंगे। तो हमें इसी तरह से पूरे केक को अच्छे से कवर कर देना है। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे केक को मैंने कवर कर दिया है और अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी चिल होने के लिए। और बाकी की जो हमारी व्हिप क्रीम है इसमें मैं रेड कलर मिला रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा रेड कलर मिला रही हूँ, जिससे इसका जो क्रीम का कलर है ये पिंक हो जाए। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंडर से मिक्स कर ले रही हूँ और ये देखिए कितना अच्छा सा पिंक कलर बन गया है।
और अब मैंने इसे एक पाइपिंग मोल्ड में भर लिया और अब मैं इससे अपने केक को डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप केक को किस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सारे पूरे केक को डेकोरेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मैं किस तरह से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने हाफ केक में विप क्रीम से इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है और बाकी के हाफ को मैं केक का जो हमने क्रम बनाया था उससे हम कवर कर देंगे। तो इसी तरह से मैं पूरे हाफ को अच्छे से इस केक क्रम से कवर कर दूंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा केक हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर, ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज प्लीज मुझे लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी रेसिपी ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू।